इंदौर खड़वा के बीच ब्रॉडगेज के कार्य को लेकर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रेलवे का काम बंद होने की खबर शरारती तत्वों द्वारा फैलाई जा रही है, जिसको लेकर खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने खंडन करते हुए बताया कि रेलवे का कार्य बंद नहीं हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण कार्य की गति धीमी हो गई है और लॉकडाउन खुलने के बाद मजदूरों के आने से शुरुआती काम शुरू कर दिया गया है। सांसद चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर रेलवे लाइन का कार्य बंद होने की खबर न फैलाएं। केंद्र सरकार द्वारा इस रेलवे लाइन का काम मॉनिटर किया जा रहा है, जल्द ही इस मार्ग पर काम पूरा होगा, जिसके बाद सनावत से खड़वा तक रेलवे का लाभ नागरिक ले पाएंगे। न्यूज़ लाइफ एमपी के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। खंडवा संसदीय क्षेत्र के भाई और बहनों, विगत दिनों सोशल मीडिया पे एक भ्रामक खबर चल रही है कि खंडवा इंदौर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का काम अब स्थगित हो चुका है। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मेरे सांसद बनने पर, मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने पर ही खंडवा महू इंदौर ब्रॉडगेज लाइन का काम सेंक्शन हुआ था और निमाड़खेड़ी तक वह काम आ चुका है। अगस्त महीने तक सनावत तक ब्रॉडगेज का काम होगा। कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण काम थोड़ा धीमी गति से हुआ है और सनावत से आगे इसमें 208 हेक्टेयर वन भूमि आना है। उस वन भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत जटिल है। 13 मार्च 2018 को वन भूमि दिए जाने की वन मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है।